था तुमको पॉलीगोनल लैसो टूल, राइट? हुआ क्या कुछ प्रैक्टिस? नहीं, किसका हुआ? सागर, फोटोशॉप इंस्टॉल के लिए कि नहीं? फोटोशॉप इंस्टॉल तो एक प्रॉब्लम क्या? आ रही उसमें थी मैग्नेटिक लैसो। हाँ, फिर जहां से कलर। जैसे मैं तो ऐड करता हूँ, ठीक है, कमांड शिफ्ट दबा के ऐड करता शिफ्ट दबा के का मतलब ऐड करते? हूँ। नहीं मतलब जैसे जो एरिया बाहर गया उसको अंदर में ऐड करता शिफ्ट दबा के ऐड करना। हूँ। हाँ शिफ्ट दबा हाँ के ऐड करता हाँ तो शिफ्ट दबा के जब अपन ऐड करता है तब वो कभी कभी जैसे बाहर चला जाता मतलब बाहर शिफ्ट हो जाता है तो वो ऐसा कुछ रह जाएगा कि अपन ये मैग्नेटिक लैसो टूल है, ये तुमने ऐड किया किया ऐड करते गए, ऐसा करके कुछ कर दिया तुमने, ठीक है? बैक स्पेस दबाना। अभी तुम्हारा ये वाला पोर्शन ऐड करना है, हाँ वो गलत तो हम लोग क्या करेंगे, लैसो सिलेक्शन लेंगे हो गया और शिफ्ट दबा के इतने पोर्शन को ऐड कर देंगे, तो वो कभी-कभी बाहर चले आता है जैसे अभी तो वो माइनस बाहर करेंगे ऑल्ट, वो बॉर्डर के बाहर चला जाता है शिफ्ट दबा के ऐड, ऑल्ट दबा के माइनस। तो वो अपने मतलब बॉर्डर को बॉर्डर स्टोर कर लेता है। नहीं, ये तो सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट तुमको मैन्युअली करना पड़ता है। जैसे ये माइनस करना है तो ऑल्ट दबा के, ये तो मैंने अभी रफली लिया, ये तुमने माइनस किया। अभी मैग्नेटिक लैसो टूल लिया, किसी से भी माइनस कर सकते हैं, वो ऑल्ट दबाया। देखो उसका सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो पहले तुमने ऑल्ट दबा के किया तो वो सिंबल देखो निगेटिव है, दिख रहा है? कोई भी टूल यूज करो, देखो ये मैग्नेट पॉलीगोनल लैसो टूल है, इसमें से ये माइनस कर रहा है, राइट? ऑल्ट दबाया, आ गया, छोड़ दिया ऑल्ट, एंटर, हो गया माइनस, ऑल्ट दबाया, वो मैंने मतलब से वो बॉर्डर क्रिएट किया वो वहां पे जाके इधर वो वाली बॉर्डर बॉर्डर स्पेसिफिक होनी चाहिए, बाहर की बॉर्डर कुछ भी करो, कोई ऑल्ट माइनस कर रहे, मतलब ये ऐसा है कि मान लो तुमने ये एरिया है, इस एरिया से इस एरिया को माइनस कर सकते क्या? कर सकते ना, कुछ भी नहीं बचेगा, इसका वैल्यू तो जितना है उतना ही रहेगा क्योंकि ये उसमें से माइनस हो रहा है। वही अगर इसमें से ये माइनस किया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये माइनस होगा, तो बचेगा क्या शेप? ये जो दिख रहा है ना, ये शेप बचेगा, ये जो शेप दिख रहा है ये शेप बचेगा, ये माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल फंडा है, देखो यहां पे भी ये हमेशा नहीं का, इसे बैकग्राउंड कलर मेरे को व्हाइट चाहिए, क्या चाहिए? देखो ये है, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या माइनस होगा? उधर का तो कुछ लेना देना नहीं है, माइनस क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग में से ये माइनस होगा जो इंटरसेक्टेड पार्ट है, तो तुमने क्या स्पेसिफिक लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अभी अंदर का पार्ट माइनस हो सकता है क्या? हाँ ऑब्वियसली माइनस हो सकता है ये वाला पार्ट, राइट? बिकॉज इसमें से ये माइनस तो 100% हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये करूँ तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि इसमें से ये माइनस क्या होगा, तो ऑलरेडी बाहर है। हम बोल रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में से पाकिस्तान माइनस कर दो, अरे वो ऑलरेडी माइनस है, तो इंडिया का पार्ट है नहीं ना। लेकिन अगर इंडिया के टेरिटरी से महाराष्ट्र माइनस कर दो तो हो सकता है शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर। नाउ अभी हमने कल जो देखा तो उसमें देखो ये बड़ा शार्प आ रहा था, आ रहा था क्या? हमने जो भी किया ये बड़ा शार्प आ रहा था क्या? ये शार्प आ रहा था ना, ये हमने जो सिलेक्शन किया, वॉट एवर सिलेक्शन इज देयर, जो भी हमने सिलेक्शन किया होगा आप देख लो एक बार कहाँ होता है वो। हमने बहुत सारे रेफरेंसेस डाउनलोड किए हैं, आई थिंक डी एफ ड्राइव में फोटोशॉप नाम का फोल्डर होगा, ठीक है? इसलिए भाई नेम करना हमेशा, तो क्या है ना नाम बराबर दिख जाते, मेरे को कभी कभी नाम नहीं दिखाई देते। रेफरेंसेस दिख रहे हैं अभी यहां पे हमने इसी को ले लिया, ये करेक्ट, इसी को भी ले लो, ऐसे ये ले ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आ गई इमेज। तो ये है सब्जेक्ट और ये है बैकग्राउंड। सब्जेक्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है? तो हम लोग पॉलीगोनल लैसो टूल लेते हैं, कंट्रोल प्लस करते, क्या करते हैं, क्या होता है कंट्रोल प्लस से? जूम इन, स्पेस बार से क्या होता है? पैन। थोड़ा बड़ा लेते हैं इमेज, बड़ा क्यों? तुमको दिखने के लिए थोड़ा बड़ा दिखेगा ना। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो कहीं से चालू करना करके हम लोग बाउंड्री से स्टार्ट करना है, कहीं से स्टार्ट करना है स्पेस बार। तुम यहां से भी कर सकते हो पर जनरली क्या होना चाहिए, कहीं बाउंड्री से स्टार्ट होना चाहिए। कर लो तो क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, कितना माइन्यूट काम है, इट टेक्स टाइम, लगता है क्या टाइम? अब ये देखो ये पोर्शन एक्चुअली ऐसा स्मूथ है, बैक स्पेस ये देखो है ना, तो ज्यादा पॉइंट डालने पड़ेंगे क्या? अरे डालने पड़ेंगे ना ज्यादा पॉइंट, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना, कंट्रोल माइनस की। अभी समझा तुमको कितना माइन्यूट काम है, तो तुमको टाइम देना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी देखो वो गलती से क्या हो गया, क्लिक हो गया, ये गलती से क्लिक हो गया, अभी वो ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से सिलेक्शन होना चाहिए था, वो गलती से मैं डबल क्लिक कर दिया शायद, फिर से चालू कर। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि पॉलीगोनल से बेटर मैग्नेटिक से काम हो सकता है क्या। नहीं नहीं डबल क्लिक किया तो हो जाता है, पर तुमको कहीं ना कहीं क्लोज करना पड़ेगा, बिना क्लोजिंग के कुछ नहीं कर सकते। देखो हो रहा है वैसे, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है। हम लोग है ना और भी कोई ट्रिक्स यूज करते हैं आफ्टर, जब हम लोग थोड़ा सा कलर करेक्शन वगैरह सीख जाते ना,
सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसीजर है, तुम फोटोशॉप के एंड तक सीखते ही रहते हो। क्या बोला मैंने? हाँ, फोटोशॉप एंड में भी आएगा ना, जिस दिन एंड होगा उस दिन भी तुम सिलेक्शन में नया कुछ सीखोगे, क्योंकि सिलेक्शन ही ऐसा चीज है कि जो परफेक्ट होता ही नहीं है, कितना भी बोलो तुम, उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा। अभी देखो मैंने अपना काम इजी कर लिया उतना कॉन्ट्रास्ट डाल के, अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है, दिख रहा है क्या? अरे नहीं है ना, उतना कॉन्ट्रास्ट है क्या जितना चाहिए उतना हमको ज्यादा? नहीं, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा चाहिए, वो बना सकते हैं हम कॉन्ट्रास्ट, वो तो हम लोग करते भी हैं। जब सिलेक्शन हमको करना होता है कंट्रोल प्लस, फिर क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों को लगता है अरे यार ये पूरा कर दिया और बीच में कहीं वैसा डबल क्लिक हो गया तो फिर से ऐसा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सिंपल काम करते हैं, हम लोग इसका सिलेक्शन बना लेते हैं। क्या करते हैं? बना लेते हैं। हो गया सिलेक्शन, आ गया है ना सिलेक्शन शिफ्ट। नहीं कर सकते, कंट्रोल जेड नहीं होता वो लेवल पे, फिर पूरा ही निकल जाता है। ये यहां तक लेके आए, अभी तुम आगे लेके जाओ और सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी सिलेक्शन है, इसलिए लेंदी नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं आता। फिर मुझे लगता है कि नहीं मैं ऊपर से सिलेक्शन करूं तो आई कैन स्टार्ट इम्प्रूव। ये ऐसा है कि एक साथ पूरी खेती को एक ही दिन नहीं खोद सकते ना, तो अगर तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी है, 2 एकड़ होंगी तो एक ही दिन में हो जाएगी, लेकिन अगर 50 एकड़ होंगी तो एक दिन में नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या करते हैं उसके पार्ट्स करते हैं और पार्ट्स में सिलेक्शन करते हैं। अभी ये मैग्नेट, मैं जब तुमको नेक्स्ट टूल सिखाऊंगा ना, तो तुम बोलोगे सर ये आपने फालतू हमको सिखाया ये, लेकिन ये आना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना भी कुछ एडवांस हो जाए यहाँ पे अच्छा आ जाता था तुम्हारा पॉलीगोनल वाला मैग्नेटिक लैसो टूल, क्योंकि यहाँ पे तो ये चॉइस है ना, ये मेरा चॉइस है, मतलब एज अ एडिटर ये मेरा चॉइस होता है कि मेरे को वहां पे टूल कौन सा यूज करना है। अभी मैं मैग्नेट पॉलीगोनल लैसो टूल यूज किया, मुझे लगता है कि यार नहीं ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, मैंने देखो वो शिफ्ट नहीं दबाया। क्या नहीं दबाया? कर लो कंट्रोल जेड, ये देखो नहीं आया ना, अभी आया देखो कंट्रोल जेड। सो आई विल मेक श्योर कि जब भी कोई सिलेक्शन ऐड करना है तो शिफ्ट दबा दो एक बार और फिर छोड़ दो, तो देखो अभी नीचे तुमको सिलेक्शन एग्जिस्टिंग दिखाई देगा, बैकस्पेस देख लेना, कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए फिर वही उसी को कंटिन्यू करते चल रहे। हुआ? अरे हुआ क्या, फास्ट हो रहा है क्या ये? कुछ ऐसे परफेक्ट नहीं होता तो ठीक है ना भाई, परफेक्ट तो वैसे भी कुछ नहीं होता, वो तो परफेक्ट करना पड़ता है। बैक स्पेस, बैक स्पेस देखो ये सिमिलर कलर होने की वजह से अंदर खींच रहा है, दिख रहा है? सो मैग्नेटिक लैसो टूल का खासियत यही है कि वो कॉन्ट्रास्ट की तरफ जाता है, देखो कॉन्ट्रास्ट की तरफ गया, जहां कॉन्ट्रास्ट है खतरनाक तरीके से फास्ट का काम कर लेगा, जहां पे नहीं है वहां पे जो कॉन्ट्रास्ट है उसकी तरफ भागेगा। भाग रहा है क्या? अरे भाग रहा है कि नहीं, देखो ना, देखो वो अपने अपने हिसाब से, सिंस मैंने याद है आपको, अरे यार वो प्लस माइनस हो गया, चलो ठीक है, बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये मैंने बहुत जूम इन में काम किया तो मेरे को वो नीचे का दिखा ही नहीं, नहीं दिखा ना,
इसमें तो कोई फर्क पड़ता हो गया ना। जब भी मैं नया फाइल लेता हूँ कंट्रोल एन, उसमें क्रिएट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये अभी मूव टूल पे गया, सिलेक्शन टूल मूव टूल, इसको उठाया और कहाँ लेके गया, क्या किया, एक ऑप्शन है कंट्रोल सी, यहाँ पे जाओ नए फाइल में कंट्रोल वी, कौन सा तरीका ठीक है, कोई भी तरीका हो सकता है, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी और फिर ये जो है इसको उठाया और यहाँ लेके गया, तुम कोई भी तरीका ले सकते हो, ऐसा भी होता है एडिट कॉपी एडिट पेस्ट, यहां से निकालने के बाद क्या होता है, अरे ये तो बैकग्राउंड कलर आ गया, दिख रहा है ना बैकग्राउंड कलर लाल और इसके पीछे बैकग्राउंड कलर क्या है ब्लैक है, इसको उठाया और इधर लेके गया तो वापस जैसे के वैसा ही होता है। यहां पे मैंने बताया था नहीं कल, प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या आता है कि जब भी मैं ऐसा कुछ करूं, ये देखो ये बैकग्राउंड कलर है मुझे चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए ब्लैक, ऑल्ट कंट्रोल बैकस्पेस, अभी तुमको ध्यान में आएगा कि ये बड़ा शार्प हो गया, हुआ ना, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए एक कमांड है दैट इज कॉल्ड एज फेदर, क्या है, हर एक सब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए हर एक अलग अलग मेथडोलॉजी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए जो रहेगा वो उसके लिए भी चलेगा ना, उसके लिए शायद कुछ और करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा है कि मेथडोलॉजी अलग अलग हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने जो इमेजेस लिए अगर तुम कोई दो दूसरी इमेज लो तो तुमको दूसरी मेथडोलॉजी यूज करनी पड़ सकती है, मतलब पॉलीगन प्लस मैग्नेटिक प्लस वॉट एवर क्विक मास्क एंड ऑल, ये सिंबल इसका दिखा देता हूँ अभी मैं इसको, ये समझ में आएगा तीनों टूल, एक और टूल है उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक वंड टूल, दिख रहा है नाम की तरह मैजिक वंड, क्या होता है मैजिक वंड, वो हैरी पॉटर के पास होता है, देख बीच में टूल चेंज नहीं होगा, पहले सिलेक्शन कंप्लीट करना होगा, बीच में टूल कभी सिलेक्ट मतलब चेंज नहीं कर सकते, इन बिटवीन नहीं, होने के बाद फिर दूसरा करो, मतलब तुमने अगर ये आधा मैग्नेटिक से किया फिर पॉलीगॉन से किया फिर लैसो सिलेक्शन से किया कोई प्रॉब्लम, पर मैग्नेटिक चलाते चलाते बीच में पॉलीगॉन नहीं होता, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा और एकदम से लेफ्ट ही आउट हो गया, नहीं फील्ड चेंज हो जाती है, तो टूल्स इन बिटवीन चेंज नहीं होते, टूल्स कंप्लीट करो एक और फिर दूसरा टूल चालू करो, क्योंकि सिलेक्शन है। अभी देखो अभी किसी ने तुमको बताया कि मेरे को सिर्फ ब्लैक सिलेक्ट करना है, क्या करना है इसमें से, कैसे सिलेक्ट करोगे, प्रॉब्लम आएगा, आएगा ना, ब्लैक का डेफिनेशन क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये हो सकता है पर अपने को एग्जैक्टली नहीं पता ना, कंट्रोल डी, इसीलिए आता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल में क्या होता है, यहां पे देखो एक ऑप्शन है टॉलरेंस, क्या है, क्या होता है टॉलरेंस का मीनिंग, जनरली टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है ऑनलाइन सहनशीलता, एकदम राइट, जनरली क्या होता है टॉलरेंस का मतलब सहनशील, मेरा टॉलरेंस ज्यादा है क्या, तुमको क्या लगता है मेरा टॉलरेंस ज्यादा है कम है,
डिपेंड करता है क्लास में ज्यादा है बाहर कम है। किसी को टॉलरेट करना मींस किसी को ज्यादा टॉर्चर करना, जस्ट लाइक नहीं मैं टॉर्चर नहीं करता, तुम लोग मेरे को टॉर्चर करते तो मेरा टॉलरेंस लेवल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना किसी को हैंडल कर सकता हूँ, मेरा पेशेंस लेवल कितना है। अभी ऐसा ही अपन इसको लेके जाते कि कलर को कितना टॉलरेट करेगा, कौन लैसो सिलेक्शन, ये सॉरी मैजिक वॉन्ड। तो मैजिक वॉन्ड में क्या कर देते हैं, ऐसे लवियोसा हैरी पॉटर में ऐसा कुछ कर देते, क्या बोलते पितृदेव संरक्षण, फिर वो ऐसे जाता है। तो अभी देखो कितना सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने सिर्फ क्लिक किया, क्या किया कुछ सिलेक्शन किया उसने अपने आप, मैंने कुछ किया क्या, बस जस्ट क्लिक किया। उसका टॉलरेंस कितना है अभी, उसको अपन 5 कर लेते हैं, ठीक है। ओके कंट्रोल डी, टॉलरेंस 25-20 कर, बढ़ गया क्या थोड़ा, टॉलरेंस 40 करें, जनरली 40 रहता है बाय डिफॉल्ट, मेरे इसमें मैंने चेंज किया होगा, अभी बढ़ गया क्या, 60 करें। शेड्स ज्यादा लेते जा रहा है क्या, वो ब्लैक के शेड्स ज्यादा लेते जा रहे हैं, टू अंडरस्टैंड टॉलरेंस का मीनिंग। इसमें कंटेजियस ऑप्शन बताता हूं, इधर से करोगे भी तो उधर वैसा ही है। तो ये क्या, मैंने जानबूझ के ब्लैक एंड व्हाइट में बताया ताकि तुमको समझ में आए कि रेंज क्रिएट करता है, रेंज सिलेक्ट करता है। अभी जैसे बीच में क्लिक किया तो इधर और उधर दोनों की तरफ कर दिया उसने, तो एक ग्रे कलर होगा उसकी लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। देख किधर गया था रे अभिषेक, तो देखो अभी मैं बीच में क्लिक कर रहा हूं तो आधा इधर सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कलर जो भी रहेगा इसका, मैं दिखाता हूं तुमको, कलर डाल के दिखा देता हूं। चालीस है, तुम बोले सर ये इसको ज्यादा क्यों किया उसने, कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है। अरे अपन अपने आजू बाजू वाले माइंडसेट के लोगों को जल्दी कैप्चर कर लेते ना, जैसे मस्ती करने वाले होंगे तो बराबर पीछे जाके बैठ जाते, अपनी गैंग बना लेते है ना, बराबर है कि नहीं है। इसकी रेंज देखो, ये मिडल वाली जो रेंज रहती ना वो होशियार लोगों के साथ भी रहते और वो बैक बेंचर्स के साथ भी रहते, लेकिन बैक बेंचर रहते अपनी गैंग बनाते और होशियार जो रहते वो अपनी गैंग बनाते, बीच वालों का ही प्रॉब्लम होता है हमेशा, तो वो सबके साथ मैनेज कर लेते, जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें। नाउ देन देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज 5x5 एवरेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई ऐसी इमेज है तो मैंने अगर यहां पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, सैंपल लेगा 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल, 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल और उसका एवरेज बना के वैल्यू बताएगा। मिक्स करते ना एवरेज बताते ना, 5 सब्जेक्ट की एवरेज निकालते तो अपने को परसेंटेज मिल जाते हैं। तो एवरेज इज दिस, तो समझ लो मैंने अगर यहां पे क्लिक किया यहां पे तो इसके 2 इधर 2 उधर, 2 ऊपर 2 नीचे, इसका मिला के क्या कर रहा है वो एवरेज ले रहा है। दिखाओ ये यहां पे एक पीकर टूल है, दिख रहा है, आई ड्रॉपर बोलते हैं, पीकर भी बोलते हैं। यहां पे भी क्या है, एवरेज 5x5। देखो मैं क्लिक कर रहा हूं
नहीं तो क्या होता कि अगर समझो मैंने पॉइंट सैंपल लिया तो ये एग्जैक्ट उसी पिक्सल की वैल्यू लेगा। कौन से पिक्सल की ले रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया है, पॉइंट सैंपल, दैट मीन्स ये पॉइंट पे क्लिक किया इसी की वैल्यू। पर इसमें खतरा होता है पेंटिंग करते वक्त, खतरा क्या है कि ये यही कलर पेंट करेगा जबकि एक्चुअली हमको ये कलर चाहिए था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एवरेज लेते हैं, 3x3 लो। देखो अभी इसी पे क्लिक किया, थोड़ा लाइटर आया, वाई इधर इधर ऊपर नीचे इसका मिला के एवरेज ले लिया उसने। देखो अभी ये यही कलर है क्या, देखो एकदम डार्क कलर ले लेता तुम्हारे साथ, ये डार्क है क्या, ये डार्क है, लेकिन उसने वही कलर लिया क्या, एवरेज कलर लिया। तो एवरेज यहाँ पे ध्यान में रखो, जनरली ये 3x3 या 5x5 लेते हैं। अभी तुम बोलोगे सर ज़्यादा क्यों नहीं लेते, अरे ज़्यादा लिया तो बहुत ज़्यादा ले लेगा। जैसे 11 बोला तो इधर 5, इधर 5, ऊपर 5, नीचे 5, उसका एवरेज ले लेगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी वो। सो इसीलिए 5x5 या 3x3 में लोग काम करते हैं, बाई डिफॉल्ट 3x3 रहता होगा शायद, मैं 5x5 में काम करता हूँ। समझ में आएगा ये, इसने कुछ पूछा कह रहे, समझ में आइए एवरेज क्या होता है। पिकर कौन सा टूल, आई ड्रॉपर टूल, किस लिए होता है, ओनली फॉर पिकिंग कलर्स, बता रहे हो हमको नहीं क्या, मैंने तुमको क्या बताया था, उसके आइडियाज को सीखना। मैजिक वर्ड डायरेक्टली सीख सकते हैं, कैसे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुमको समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, मैंने क्लिक किया उसने सिलेक्ट कर लिया, पर कैसे पता ही नहीं, सर ये क्यों सिलेक्ट कर रहा है नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुमको क्या सीखना है, उसकी मेथडोलॉजी सीखना है। एम आई राइट, अभी ये जैसे फोटोग्राफ, इसमें सिलेक्ट करना क्या इजी है, इसमें से क्या सिलेक्ट जल्दी हो जाएगा, तुम बता। दो चीजें हैं, एक है सब्जेक्ट एक है बैकग्राउंड, तो इसमें से क्या जल्दी सिलेक्ट होगा, बैकग्राउंड। तुमको दिखाता हूं, इसको 10 कर देता हूं, कितना किया, अभी मैंने तुम्हारे सामने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया था ना, याद है इसके पहले जो था, क्या सिलेक्ट जल्दी हुआ, बैकग्राउंड जल्दी हुआ, कंट्रोल प्लस। तो बोले सर ये तो नहीं आया इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, शिफ्ट दबाया आ गया, शिफ्ट दबाया, ऑल्ट दबाया, ज्यादा हो गया, चल ठीक है, शिफ्ट दबाया, क्या ऐड हो रहा है, इसमें ये ऐड हो रहा है, इसमें, इसमें ये ऐड हो रहा है, इसमें शिफ्ट ये ऐड हो रहा है, हो गया, इसमें ये माइनस करना है, क्या करना है, ऑल्ट। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे, मैंने तुमको क्या बताया, एक से पूरा सिलेक्शन नहीं होता, अभी कहा जाओ ऑल्ट, इसमें से माइनस करना है। तुमको कैसे पता चलेगा कि माइनस करने का ही नहीं है, तो कभी कभार अगर ऐसा है नहीं समझ में आता है तो एक लेयर लेके कलर डाल के देख लेने का, ये है ना हमको सिलेक्ट किसको करना है, कैरेक्टर को करना है, ये ऐड हो गया ना, ये चाहिए ना हमको सिलेक्शन में, कैरेक्टर के सिलेक्शन, नॉट बैकग्राउंड के सिलेक्शन में। ऐसे डाल के देखिए, कुछ देर के बाद तुमको समझ में आ जाते हैं जब तुम सिलेक्शन करना स्टार्ट कर लेते हो तो, बट ठीक है। मैंने हुआ पूरा क्या मैजिक वॉन्ड से थोड़ी ना करना है, पर मैजिक वॉन्ड से ये काम ईजी हो गया क्या जो हम लोग पॉलीगोनल लैसो से करते थे, ईजी हो गया, हेलो आओ, कोई बोलेगा नहीं, शिफ्ट, शिफ्ट किया तो क्या हुआ, बैकग्राउंड में ऐड होगा, मेरे को बैकग्राउंड में चाहिए, तो ऑल्ट दबाओ, बैकग्राउंड से माइनस, बैकग्राउंड से माइनस, हो गया अच्छे से, बैकग्राउंड से माइनस, कंट्रोल प्लस, क्या होता है कंट्रोल प्लस से, बैकग्राउंड से जूम माइनस,
ये सॉफ्ट कैसे करते हो बताता हूँ मैं, ठीक है? ये आएगा कि माइनस हो जाएगा कि इसके अंदर आ रहा है ना कलर, अपने को चाहिए बैकग्राउंड सिलेक्शन। सो हो गया, अरे हो गया कि नहीं बच्चा लोग? पेन टैबलेट नाम की एक चीज़ आती है, वो अगर तुम लोग इसके साथ ले लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा इजी, क्योंकि माउस से हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ऑल्ट हो गया, हो गया क्या? ऑलमोस्ट। और कुछ बचा है? हाँ, मैंने तुमको इनवर्स सिलेक्शन करने करके बताया था, इनवर्स सिलेक्शन, इनवर्ट कैसे करते हैं? सिलेक्शन है ना, तो कहाँ जाएंगे? ऊपर के टैब में डी सिलेक्ट करने के लिए क्या है? कंट्रोल डी, मतलब सिलेक्शन ही गायब हो जाएगा। इनवर्स सिलेक्शन है, कंट्रोल शिफ्ट है। मैं कंट्रोल पहले बोलता हूँ, लोग शिफ्ट कंट्रोल आए बोलते हैं, मैं कंट्रोल शिफ्ट आए बोलता हूँ, सेम ही होता है। शिफ्ट कंट्रोल आए, क्या हुआ अभी? अरे हो गया क्या सिलेक्शन? कॉपी पेस्ट। ये जो दिख रहा है ना, ये इसको मुझे स्मूथ करना है, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। बट ये क्लियर है क्या अभी जो बताए? जे सेम वे, मैं फिर से मैं इसीलिए बोलता हूँ कि तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टॉलरेंस बढ़ा दिया, बढ़ाने से क्या होता है? ज्यादा कलर्स ले लेता है, ज्यादा वेरिएशन भी ले लेता है। ले लिया क्या उसने वेरिएशन? पहले अपन 10 करके क्लिक करते हैं। क्या किया, क्या किया उसने? 10 ही लिए, इसमें वेरिएशन ज्यादा है ना। देखो वाइट, इसीलिए क्या करते हैं, कंटेजियस, मतलब व्हाट इज कंटेजियस? जनरल, जनरल में ही पूछता हूँ मैं वर्ड का मीनिंग क्या होता है वंश? कंटेजियस, 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 व्हाटएवर। कोविड में गए कभी? कोविड था तुम्हारे, तुम जब बाजू में रहा तो उसको हो जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर ये मैं बंद करूं और क्लिक करूं, तुम ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट हुआ क्या? मैंने क्लिक कहा किया, क्या क्या सिलेक्ट हो रहा है? कॉन्टेजियस ऑफ करके जहां पे भी ये कलर है वो सब सिलेक्ट हो रहा है, या वो शेड है वो सब सिलेक्ट हो रहा है, यहां पे भी है ना। क्लिक कहां किया हमने? मान लो यहां पे किया, देखो ये तो इसके कनेक्ट में भी नहीं है ना। अरे ये इसके कनेक्ट में है क्या? यहां पे क्लिक किया तो इसके कनेक्ट में ये थे क्या? नहीं थे, फिर भी सिलेक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कॉन्टेजियस ऑफ रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो उस इमेज में जहां पे भी तुमने क्लिक किया है उस तरीके का सैंपल सिलेक्ट कर लेता है। नहीं समझे? अभी समझ में आया? उसकी आंखें लाल है, मैंने वहां पे क्लिक किया, ये उसके साथ जुड़ा था क्या? अरे ये उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या? कंटेजियस है क्या? साथ में है क्या? नहीं है, फिर भी सिलेक्ट कर लिया। तो कंटेजियस ऑन क्यों रखते हैं? ताकि इसके आजू बाजू का ही एरिया सिलेक्ट हो, ताकि जहां पे क्लिक करो उसी के आजू बाजू का ही सिलेक्ट हो, ना कि इधर का भी। ये रात भर जागा क्या रे तू? मैं अरे याला मतलब यामला। कंटेजियस का मतलब किसको नहीं समझ में आया? अभी देखो यहां पे क्लिक किया, ये जो भी कलर होगा यहाँ पे भी कर रहा है, 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 यहाँ पे भी कर रहा है। तो कब यूज करना है कब नहीं करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये कोई ऐसा मैजिक नहीं है, तुम कलर ऐसे टाइप करो, कलर रेंज, कलर ऐसे कुछ डाल दिया,
ये इमेज को ले लो, कॉपी, कंट्रोल एन। अभी क्या होता है ना, देखो ध्यान से देखो, ये गया यहाँ पे, मैं अंदर इस इमेज को, यही थी क्या वो इमेज? ये इमेज है, कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया। तो इसका जो भी रेजोल्यूशन था, व्हाट इज द रेजोल्यूशन, कितना है? 3000 बाय 200, 2798 दिख रहा है। आप फाइल में जाओ, न्यू करो, क्या करोगे? फाइल में जाके ये ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, फाइल न्यू आ गया। ठीक, कुछ तो गड़बड़ है यार। एकदम से ऐसा क्यों हो गया कि मेरा ये चेंज हो गया? एक फोटोशॉप हो सकता है ऐसा। ठीक है, चालू नहीं होगा फोटोशॉप। ऐसा कुछ तो भी गड़बड़ हुआ कि जिसकी वजह से फोटोशॉप ओपन नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना? कुछ इशू आया था सॉफ्टवेयर के साथ, तो स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो जो ऑनलाइन है वो जैसे के वैसे ही रहे। ये सी क्लीनर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर लेना। वहां पे नहीं, रजिस्ट्री उड़ाते रहना, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कभी कभी। और एक चीज है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इसमें हमेशा रहेगी, तुम सॉफ्टवेयर बहुत सारे इंस्टॉल करते जाते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टार्ट, अपग्रेड नहीं करना है यार, फ्री वाला लेने का वर्जन। और इसमें वो बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्ट एक एंटीवायरस यूज करने के लिए बोलता है, वो अपन यूज नहीं करेंगे। ये देखो स्टार्टअप, रजिस्ट्री के नीचे स्टार्टअप नाम का एक ऑप्शन है, क्या बताता है कि जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर चालू होगा तो क्या क्या चालू होगा बाय बैकएंड में, वो सब बताते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे को नहीं चाहिए मोवी, डिसेबल कर दिया। एपिक गेम लॉन्चर नहीं चाहिए, डिसेबल कर दिया। एनीडेस नहीं चाहिए, डिसेबल कर दिया। एवरीथिंग रहते तो ये सब में, अभी ये तुम्हारे इधर ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा दिखेंगे भी। अभी देखो ये गूगल चालू कर देता है, बहुत सारा अपना नहीं क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से, इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाता है। इससे रैम वैम थोड़ा सा इशू हो जाता है, पर अपना फोटोशॉप चालू नहीं हुआ तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक ऑनलाइन वाले जैसे के वैसे रहो। F10 कहाँ गए हम? कंटेजियस
वो समझ में आएगा कंटीजियस, व्हाट इज कंटीजियस। गुलाल वाला हमने एक ये देखा था है ना इमेज, ये वाला था शायद वो भाई। कॉपी कॉपी इमेज, यहाँ पे गए कंट्रोल एन दबाया, देखो अभी कुछ आ गया वापस से, वो डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा था ऐसा, इसीलिए मेरे को लगा कि फोटोशॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा कि भाई, राइट क्लिक कॉपी इमेज फाइल न्यू, ये दिख रहा है, ये मुझे एक्चुअली चाहिए था, पर ये 1860 बाय 735 क्यों ले रहा है वो मुझे नहीं समझ में आया, पर ठीक है। ये दिख रहा है क्लिपबोर्ड, मतलब जो कॉपी किया है वो, अभी देखो पेस्ट करो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हुआ क्या, देखो नहीं हुआ यार, ये तो हॉरिजॉन्टल है स्क्वायर है, कुछ इशू है, विल सी कुछ भी इशू रहेगा, मैं दूसरी जगह करके देखूंगा कुछ। ये कंट्रोल प्लस से ही किया मैंने, ये जो जूम ऑन जूम इन जूम आउट किया ना, ये कंट्रोल प्लस से किया, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस दोनों जगह यूज हो रहे हैं। देखते कोई और इमेज देखते, होली कलर इमेजेस, इस पे जाए थोड़ा, मेरे को भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन से कलर्स विच कलर। ये 800 बाय 600 का इमेज है दिख रहा है, ओपन करने के बाद ये 800 बाय, राइट क्लिक कॉपी, क्या किया कंट्रोल एन, नहीं ले रहा यार ये क्लिपबोर्ड में कुछ अलग ही ले रहा है, दिख रहा है क्या क्लिपबोर्ड, मतलब जो कॉपी किया होगा कंट्रोल सी मारा होगा कहीं से, ये तो अलग ही ले रहा है यार, ये उसने बराबर ऐसे ही है ना इमेज कॉपी, मतलब वो कॉपी अलग कुछ ले रहा है, इसको देखते हैं कॉपी ओपन करेंगे कॉपी को, कभी कभी हर बार सेव करने के लिए अपने को इश्यू होता ना, ये देखो इसमें कॉपी राइट वाला है दिखाई दे रहा है क्या, तो कभी कभी इसमें कॉपी वाला ऑप्शन नहीं आता, नहीं यार होता है इसमें, इमेज इस पर क्लिक कर लो आ जाए, फिर तो बहुत इमेज मिलेगी तुमको, मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो तुमको कंटीजियस ऑप्शन उसमें सिखा सकूं, उस तरीके की इमेज ढूंढ रहा हूँ। ये वाली थी ना, राइट क्लिक, ये भी कॉपी नहीं बोल रहा है, प्रीपिक में है पर ये प्रीमियम फोटो, चल ठीक है कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एन पी ए पेस्ट हो गया एग्जैक्ट फिट, वो क्लिप बोर्ड मतलब समझ में आया क्या, क्लिप बोर्ड जो भी कॉपी किया रहेगा न्यू करो अपने आप उसी साइज का डायमेंशन बना लेगा, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ एंड अगेन टेक मैजिक वॉन्ड, अभी देखो 10 है कितना है, तो देखो येलो में भी वही शेड क्रिएट कर रहा है, अगर थोड़ा बढ़ा दे कितना 40, तो येलो में अगर देखो अभी कंटीजियस ऑफ है, ये भी सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी वो शेड होगा तो उसने वहाँ का भी शेड सिलेक्ट किया, ब्लू ब्लू तो ज्यादा है, और वही अगर कंटीजियस ऑन कर दिया तो जिप्स लग के होंगे वही सिलेक्ट होंगे, क्या होगा लग के होंगे वही सिलेक्ट करेंगे, ऐड करते जा रहा हूं शिफ्ट दबा के, तुमको समझ में आ रहा है ये ऑप्शन मैजिक वॉन्ड। तो मैंने अपने फोटो को कैसे सिलेक्ट किया, तो मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, 40 है ज्यादा लग रहा है 40, अरे ज्यादा लग रहा है ना, अभी कम कर दिया 10, ऑल्ट दबाया, क्या कर रहा हूं ये अभी सिलेक्शन पूरा हो रहा है यहां पे, इसमें से माइनस करना है किसको, इसको ऑल्ट हो रहा है क्या माइनस, अरे हुआ कि नहीं माइनस,
ये माइनस चाहिए ना, नहीं चाहिए ये हमको सिलेक्शन में, ये है सिलेक्शन माइनस बाल, बाल जरा ज्यादा हो जाएंगे है ना। ऑल्ट देखो अभी ये ब्लैक कलर ऑलमोस्ट, ये भी ब्लैक कलर, सो दैट्स व्हाई वो भी माइनस कर रहे हैं। ये तो है ही नहीं, इसका कोई सवाल नहीं, अभी ऐसे इसको टिक 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 करने का जरूरत नहीं। बाय ऑल्ट माइनस ऑल्ट, अभी ये मैंने रफ किया, ये तुम मैग्नेटिक लैसो टूल से कर सकते थे या फिर पॉलीगोनल लैसो टूल से कर सकते थे। ये रफ सिलेक्शन के लिए यूज होता है, कौन सी सिलेक्शन के लिए, अभी इसमें ये ऐड करना है शिफ्ट। अरे समझ में आएगा ये मैं जो कर रहा हूं, ऑल्ट ये माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब इधर से माइनस, इधर से ये वाले सिलेक्शन से, तो ध्यान रखना ये चीज कर लो ना अपने हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फिर जूम करके एडजस्ट एडजस्ट कर देना। अभी सबसे बड़ा अपना प्रॉब्लम क्या आया था जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कॉपी पेस्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आए इनवर्ट सिलेक्शन, या कंट्रोल शिफ्ट आए फिर से उसका इनवर्ट, कहाँ पे होता है कॉपी पेस्ट। अभी प्रॉब्लम क्या आया देखो, बहुत शार्प है लग रहा है ना, थोड़ा कमी है यहाँ पे, फेदर ऊपर पिक्सल हो गए, कितना है 2 पिक्सल, 0 कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, अभी देखो बहुत ही शार्प होगा ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ही सिंपल मेथड में जाते हैं, जो भी सिलेक्ट किया होगा वॉट एवर, हम लोग उसको फेदर देते हैं, क्या देते हैं फेदर, मतलब क्या होता है सॉफ्ट होता है क्या, किसी भी फेदर को लो, और हम लोग अगर ब्लेड ले तो क्या होता है शार्प होता है। तो अगर मैं इस इमेज में ऐसे करूं, यहां पे गया मैं पॉलीगोनल लेसर टूल, ऐसे ऐसे, और क्या किया कॉपी और पेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ वो शार्प आया कि वही, इसी को पकड़ के अभी नहीं, सिलेक्शन के पहले ये वैल्यू डालना पड़ता है, कभी मतलब कब करना था मैंने, हो गया कैसे मिनट, सिलेक्शन के रिकॉर्डिंग चालू किया करें अपने, किया ना नहीं किया था, अच्छा हो गया, तो जैसे मैंने यहां पे वैल्यू अभी डाली ठीक है, मैं अगर जीरो करता हूं जानबूझ के स्क्वायर निकाल के दिखा, देखो बहुत शार्प है, है? वही अगर मैंने इसके पहले यहां पे वैल्यू डाली कुछ 5 पिक्सल की, यहां पे क्लिक किया क्योंकि इस लेयर से कॉपी करना है, ध्यान में रखना इधर कुछ नहीं है, इधर कॉपी पेस्ट, दोनों पे क्या डिफरेंस है रे, ये फेदर है सॉफ्ट लग रहा है क्या ये, और ये शार्प, फेदर का मतलब ये होता है। अभी इसमें इसमें भी करके दिखाता हूं, ये सिलेक्शन किया, ये है फेदर के साथ कॉपी पेस्ट, वही अगर पिक्सल जीरो कर दिया कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या डिफरेंस है समझ में आया सबको, तो तुम बोलो सर मैंने गलती से सिलेक्शन कर लिया और अभी मेरे को सॉफ्ट करना है, क्या करना है, ऐसा हो सकता है ना तुम गल मतलब अभी सिलेक्शन कर लो एंड देन तुमने सिलेक्ट करना है, ऐसा हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल, हो सकता है राइट अभी मैंने सिलेक्शन कर लिया
दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? अभी देखो, मैंने पहले सिलेक्शन कर लिया, इसमें कोई फेदर नहीं डाला, तो अभी अगर मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, इज इट शार्प? इधर ठीक ठाक हुआ, थोड़ा बहुत शार्प है। तो अगर मैंने यहीं पे हल्का सा, अभी फेदर देना है, आफ्टर सिलेक्शन, बिफोर सिलेक्शन नहीं, आफ्टर सिलेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं अगेन कहाँ जाऊंगा, सिलेक्शन में चेंजेस करने, कहाँ चेंज करने, सिलेक्शन में है क्या कहीं फेदर दिखाई दे रहा है क्या? सिलेक्शन को मॉडिफाई करना हो गया, फेदर पर डालना मतलब इसको चेंज करना हो, किसी भी चीज को चेंज करना है, तो सिलेक्शन को चेंज करना है, दैट मीन्स उसमें क्या अंदर है, पहले अंदर ही हुआ करता था, अभी ये फिर 2006 से ये अंदर चला गया, क्योंकि ये ऑप्शन आ गया। तो ये फेदर कर लो, कितना फेदर देना है, अभी यही सबसे बड़ा इश्यू होगा, कितना फेदर देना है, 2 पिक्सल, अभी 2 पिक्सल 200 बाय 200 की इमेज के लिए बहुत होगा, लेकिन 4000 बाय 4000 के लिए कम हो जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है? बड़ी इमेज के लिए 2 पिक्सल छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटी इमेज के लिए 2 पिक्सल बड़ा हो जाएगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर किसी के बैंक अकाउंट में से, जिसके अकाउंट में 1000 रुपये, उससे अगर तुम 100 रुपये निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसको जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन जिसके पास करोड़ है उसमें से 100 रुपये निकाले तुम। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ओके करो और अभी कॉपी पेस्ट करो, सॉफ्ट हुआ क्या, जो शार्पनेस था वो चला गया क्या, यह है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? तो पहले के इसमें यही पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, जो अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, पर्टिकुलर शार्पनेस किसी भी इसमें। इसको देखो, इसको ही सिलेक्ट करो, सिलेक्ट तो क्या है ना, अभी ये मैजिक वन के नीचे टूल है, दैट इज कॉल्ड क्विक सिलेक्शन टूल, नाम की तरह, पहले ऐसा क्विक सिलेक्शन टूल करो, और तो ये ऐसा देखो, दिख रहा है, ओ माय गॉड, सर ने हमको ये सिखाया नहीं पहले, नहीं तो हम पहले ही अच्छा सिलेक्शन करना सीख जाते। अरे ऐसे ही तुमको लग रहा होगा ना, नहीं लग रहा है, वो मैग्नेटिक लैसो सिखाया, फिर पॉलीगनल लैसो सिखाया, देखो हो रहा है क्या, अरे हो रहा है क्या, क्यों फालतू में सर ने अपना टाइम पास करवाया? अरे जो खाने के लिए मैंने क्विक ड्रैग किया और हो गया, उसके लिए मेरे को इतना टाइम पास क्यों करवाया? ऐसा तुमको लग रहा होगा ना, तो मैंने तुमको कल ही उसका आंसर दे दिया। धीरे धीरे ये पूरा ले रहा है, देखो अभी ऐसे कभी कभी होता है, चल ठीक है इसको सिलेक्ट करके दे। इन्होंने क्या कर दिया, ये प्लस 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 आ गया, इन्होंने क्या कर दिया, बढ़िया अच्छा ऑप्शन किया। ऑल्ट भी है माइनस, दिख रहा है, अरे सब में सिलेक्शन आया, मतलब सिंगल सिलेक्शन, एड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, रेड ऑल्ट हो गया क्या माइनस, अरे हो गया क्या, एड सिलेक्शन हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा, नहीं क्या उसमें खुद का AI वेआई डेवलप करने के बाद ये ज़रा काम इजी कर दिया, ऑल्ट हो गया माइनस, शिफ्ट, शिफ्ट ऑलरेडी होता है, तो सिंगल सिलेक्शन रहता तो शिफ्ट दबाना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट क्विक सिलेक्शन टूल है ना, वो ऐसे ही चलता है। और जो अगर काम नहीं हुआ तो वो काम तो वैसे भी कर सकते हैं, ऑल्ट हो गया, कितना फास्ट हुआ, इससे फास्ट सीखा क्या, इससे भी फास्ट, कंट्रोल डी दबा, इधर जाओ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो, क्या करो,
एआई खुद कैलकुलेट करता है बैकग्राउंड कौन है, सब्जेक्ट कौन है, और उसको सिलेक्ट कर देता है। लड़की को करें? अरे उसको ये थोड़ी ना डिस्टिंग्विश कर रहा, वो बैकग्राउंड सिलेक्ट कर दिया उसने, बाकी का तो ये तो उसके साथ ही है ना। और कुछ इमेजेस देखते हैं जो हमने दी थी। इतना टाइम बच रहा है, फोटोशॉप जब तुम ये ऐसे यूज करते जाते ना, इसने देखो ये इसके बीच वाला हिस्सा भी गायब कर दिया। इधर का नहीं हुआ थोड़ा, ठीक है, उसको तो अपन ऑल्ट दबा के माइनस कर देंगे। क्या इजी है? तो अगर ये पहले दिन सिखाया होता तो तुमको वो समझ में आता क्या मैग्निफाइड क्या है, वो भी कभी ना कभी यूज करना पड़ेगा। शायद अभी नहीं करना पड़ रहा है, बट कभी ना कभी यूज करना पड़ेगा, तो हमको आना चाहिए, हमको जरूरी है। जब तुम बहुत सारी फाइल्स खोलते हो फोटोशॉप में, तो यहाँ पे एक परसेंट टेम्प परसेंट क्या कमांड में टाइप करो, एंटर मारो। ये दिख रहा है फोटोशॉप में, ये करीब 3 GB की, 3.5 GB की टेम्पररी फाइल्स बनती है। बंद करोगे तो निकल जाएंगे, इसलिए ज्यादा फाइल नहीं खोलना। नहीं, यहाँ पे भी काम कर रहा है ना, ब्रेड और आमलेट का बादशाह हमारा बजाज है ना। वैसा मत करो, क्या करो, बेकरी भी मैं खोलूंगा और अंडे का ऑमलेट भी मैं बनाऊंगा। एक काम चल रहा है, एक ही काम करो। ये मैंने तुमको अभी दिखाया कि बहुत सारी इमेजेस तुम लोगे तो भी सिलेक्शन कर सकते हो। फेदर बताएं, फेदर का भी नेक्स्ट लेवल है अपने पास। फिलहाल के लिए पहले इतना करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ऐसा मेरे को लगता है। ये क्यों रे भाई नहीं दिखा रहा है? चलो ठीक है, ओपन कर लेते हैं। यहाँ से क्या ओपन करेंगे हम इसके अंदर फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर रेफरेंस, कौन सी इमेज लूँ? ये ले लूँ? क्या बोल रहा है, वैलिड फोटोशॉप डॉक्यूमेंट नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं, विंडो ई तो उसका कुछ इश्यू होगा। फोटोशॉप ये रेफरेंसेस ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, इसको तीन इमेजेस ओपन हो गए। ये है पहला, ले लो अभी क्विक सिलेक्शन, सिलेक्ट सब्जेक्ट। हो गया? अरे काम इजी हो गया क्या? मैंने तुमको 2 दिन फालतू में जामल जामल करवाया ऐसा तुमको लगता है। सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये भी टॉलरेंस वॉलरेंस यूज करके ही सिलेक्ट करता है। क्या करता है? कलर, रेंज, टॉलरेंस। फिर ये इसने देखो ये वाला सिलेक्ट नहीं किया, शिफ्ट दबाओ ऐड कर दो, ऑल्ट दबाओ माइनस करो। आया कि नहीं शिफ्ट, शिफ्ट और ऑल्ट आया कि नहीं? थोड़ा मुझे फेदर चाहिए, राइट क्लिक करके भी आता है, सिलेक्शन मोड ऑन होगा, ये 1 2 3 इनमें से कुछ भी ऑन होगा और राइट क्लिक करोगे तो फेदर आ जाता है, या उसका शॉर्टकट है F6, शिफ्ट F6। तुमको कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को तो राइट क्लिक करके आ जाता है, मेरा काम खत्म। लेकिन इनवर्ट सिलेक्शन के लिए मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, राइट क्लिक करके भी आ जाता है, सिलेक्ट इनवर्ट, सिलेक्ट इनवर्ट, डी सिलेक्ट करके, राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट नहीं करता, कंट्रोल डी दबा देता हूँ। अभी ये चॉइस ऑफ
क्या बोलते हैं, अपनी चॉइस है कि मुझे शॉर्टकट यूज करना है या राइट क्लिक करना है, वॉट एवर। इसमें कर देते हैं एक का फेदर। ओके, कॉपी पेस्ट। ओके, अभी ये कैसे आया, तो वो हमने माइनस कर दिया था, याद है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना जो ऐड करना है। अभी ये लड़की ऐसी है कि इसके अंदर ये भी माइनस करना पड़ेगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, ये तो आ ही रहा है कॉपी पेस्ट। इसके थोड़ा सॉफ्टनेस भी ले लिया, वो बाय डिफॉल्ट उसका फीचर ही है। अगेन सिलेक्ट सब्जेक्ट, 24 में ये बहुत अच्छा हो गया, 24 में, 23, 24 में और अच्छा हो गया। और स्पेसिफिकली लेता है दूसरा, दूसरा उसी के अंदर एक और टूल है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, दिख रहा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, अभी इसमें क्या है ना, इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन सा है, बैकग्राउंड कौन सा है, उसको सिलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में जाते हो, तो तुम ड्रैग करके बता सकते हो कि यहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट है, कहाँ, इस रेक्टेंगल के अंदर, तो उसी को सिलेक्ट करना। बड़ा टाइम लेगा, फ्री पिक में जाओ, कुछ इमेजेस ले लो। इसलिए तुमको मल्टीपल इमेजेस पे काम करना बहुत जरूरी है। ज्यादा इमेजेस लोगे उतना ज्यादा तुम काम कर सकते हो और उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और कभी देखो, इसने अच्छा किया ना, अच्छा किया क्या इसने, क्योंकि इसको हमने बताया कि इधर ही है, इसने काफी अच्छा काम। चलिए, दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या, ये टूल लेने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन देखो अपने आप ब्लू कर लेता है, क्या सिलेक्ट करेगा वो बता देता है ऑलमोस्ट। इसलिए फिर मैं अभी ऐसी इमेज ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे ये बच्चे है। अभी देखो इस डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, अभी ये जो है, मैं अगर यहां पे सिलेक्ट सब्जेक्ट बोलता हूं तो क्या क्या सिलेक्ट होता है वो देखो, ये ऐसे ही कर लेता है, वो खुद ही कर लेता ऑलमोस्ट। बहुत सभी को सिलेक्ट किया, कुछ पार्ट हुआ कुछ नहीं हुआ। अभी यही अगर मैंने ये वाला सिलेक्शन टूल लिया, तो अगर मैं इतने पोर्शन को ड्रैग करता हूं तो क्या सिलेक्ट होगा, वो लड़की सिलेक्ट होगी। ये ऑन रखा है, ऑब्जेक्ट फाइंडर ऑन रखा है, दैट्स व्हाई वो ब्लू आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या रे, अभी तो तुम पॉलीगॉनल ऐसा टूल यूज नहीं करोगे, आज ये दिन का है तो तुम वो तो यूज नहीं करोगे ना, नहीं करते, मेरे को बता रहता है, इतना तो तुमको मैं जान ही लेता हूँ। इजी अगर पता चल गया तरीका, तो कौन करेगा वो पॉलीगोनल लेसर टूल से काम, करेगा क्या, नहीं करेगा, तुम बोलोगे तो भी नहीं करेगा और मैं भी नहीं करता अगर मेरे को भी पता रहता तो।
इसीलिए पहले सिखा देता हूँ। पर ये सब करने के बाद भी अच्छा सिलेक्शन हर बार मिलता है कंपलसरी नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी यूज पेन टूल। सो पेन टूल डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, पर फिर भी पेन टूल यूज होता है। मतलब अभी भी फोटोग्राफर्स लोग पेन टूल ही यूज करते हैं। तो किसी ने इलस्ट्रेटर सीखा, इन डिजाइन सीखा, तब भी मैंने बताया था कि पेन टूल इम्पोर्टेंट है। फोटोशॉप में यूज होता है, इलस्ट्रेटर में यूज होता है, इन डिजाइन में यूज होता है, प्रीमियर में यूज होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी यूज होता है, सब जगह पेन टूल यूज होता है। इसलिए पेन टूल आना ही चाहिए, उसका अपन प्रैक्टिस भी करते। देखो बढ़िया सिलेक्शन किया उसने, मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ। हाँ क्या दबा रहा हूँ भाई? ये लड़की को सिलेक्ट कर ले, गलती से मेरा स्क्रॉल नीचे हो गया, ठीक है। जिसके अंदर में आएगा वो सिलेक्ट करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी पहले इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। किया था? अरे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे हो? नहीं देखे हो? देखे ना। अभी देखो ये माइनस करना है, दिख रहा है? तो इसको माइनस करने के लिए भी यूज क्विक सिलेक्शन टूल, ऑल्ट माइनस। ये देखो ये सिमिलर है, दिख रहा है? ये जो है ना, ये कलर देखना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो दैट्स व्हाई वो नहीं ले पा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ किसी ने कुछ सवाल पूछा है? देखो माइनस करने जा रहा हूं तो नहीं हो रहा ना, ऐड कर रहा हूं तो हो रहा है, पर फिर भी कुछ इश्यू आ ही रहे। तो ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए वी नीड व्हाट? ऑल्ट। मैं जरा फास्ट में कर रहा हूं, तुमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। हार्डवर्क को कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। हाँ स्मार्ट वर्क कर सकते, बहुत ज्यादा शॉर्टकट मारने से सीधा आदमी खाई में गिरता है। अभी देखियो मिशन इम्पॉसिबल आया था, अब एक सीन है जिसमें वो बाइक से नीचे जंप करता है, देखा है क्या? फिर पैराशूट खोलता है, क्योंकि उसको कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है गूगल से या फिर सैटेलाइट से कि यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, और ट्रेन यहाँ पे आएगी। फिर उसको पता चलता है कि वो पहाड़ के ऊपर है और नीचे से ट्रेन जाने वाली है। कितने देखा मिशन इम्पॉसिबल? देखते जाओ कभी, पिक्चर देखना अच्छी चीज है, जिंदगी भर पिक्चर ही मत देखना। मैं पिक्चर देखता हूँ। ये माइनस करना है अपने को, कहाँ से चालू किया था अपन ने? कहीं यहां से किया था। एंटर हो गया क्या माइनस? ये ज्यादा आ रहा है, इसको माइनस ऐसे करके देखते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा हल्का काम करता हूँ, मतलब हो रहा होगा तो कर देते ना यार। हो गया। कंट्रोल प्लस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? शॉर्टकट्स। एंटर, अगर मेरे से एंटर नहीं हो रहा वो तो क्या कर देता हूं? शैडो चाहिए थी क्या? पर चाहिए थी। ये देखो माइनस में, इसलिए माइनस कर रहा। क्या करो? क्योंकि शैडो चाहिए, क्योंकि तो अपने को थोड़ा झामल झामल काम होता है। बट अभी नेक्स्ट और है क्या? पेंटिंग से भी सिलेक्ट कर सकते, पेंट से तो सिखाऊंगा। हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे को सिलेक्शन से ही हो जाएगा, नहीं होता है कभी कभी। तो वी यूज व्हाट?
माइनस कर रहा हुआ एग्जिस्टिंग सिलेक्शन से। ओके, ऐसा माइन्यूट काम करना पड़ता है। इसका अच्छा, इसका पैर इसके पीछे है। अगेन यू गो फॉर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, शिफ्ट दबाया। शिफ्ट से क्या होता है, प्लस साइन आया क्या? अच्छा, इसमें दो ही साइड के सिलेक्शन है, लैसो और दूसरा रेक्टेंगल। लैसो मतलब क्या होगा, शिफ्ट दबाया, मेरे को ये चाहिए, ये बाजू वाला बंदा नहीं चाहिए, तो आ गया ना। हम लोग उसको डिफाइन करके दे रहे क्या? अरे डिफाइन करके दे रहे ना लैसो से, तो लैसो सिलेक्शन यहाँ पे भी काम में आता है। तो बाजू वाला बंदा नहीं चाहिए तो उसने बराबर उतना ही सिलेक्शन किया। लेट सी, ये नीचे वाला नहीं करना चाहिए, वैसे तो वो इसमें बता देता है अपने को किसमें। तो इसको टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, इसीलिए उसको टाइम लग रहा है। टाइम कब लगेगा हमेशा याद रखो, मैनुअल इसमें टाइम नहीं लगता है। गाड़ी चलाए गियर वाली, तो जो उसमें ऑटोमेटिक वाली गाड़ी आती है, ऑटोमेटिक वाली गाड़ी क्या है, बहुत सिंपल है। उसमें कितने गियर रहते हैं? 5 गियर तो नॉर्मल मैनुअल गाड़ी में रहती है। गियर रहते ना उसमें, एक रिवर्स रहता है, एक न्यूट्रल रहता है और एक गियर रहता है। जैसे स्पीड बढ़ाते हैं, मैं कार की बात कर रहा हूँ, जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो अपने आप गियर चेंज होता है, काइंड ऑफ एक्सीलेटर वाली रहती है। पर उसमें प्रॉब्लम आते हैं ऑटोमेटिक में, और प्रॉब्लम आया तो कुछ नहीं कर सकता, वो उसका गियर वेयर इंजन विंजन खोलने में इशू भी जाता है। और गाड़ी का एवरेज कम रहता है ऑटोमेटिक गाड़ी का, क्योंकि उसको खुद का सोचना पड़ता है। मैनुअल में क्या है, हम लोग जब हाईवे पे जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड में नहीं डालते, फर्स्ट सीधा थर्ड, फर्स्ट सीधा फिफ्थ में डालते, ऐसे चलता है। फोर्थ फोर्थ में गाड़ी नहीं जाती, सीधा खड़का खड़गड़ जाती। तो ये फर्क होता है, क्योंकि हाईवे में इधर डालते वक्त हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ उसमें डालते, फिफ्थ में डालने के लिए बहुत टाइम लगता है। अभी तक तो नागपुर में अपन फिफ्थ गियर में गाड़ी नहीं चला सकते। तो देखो ये बढ़िया बताता है, और उसी तरीके का सिलेक्शन करता है। देखो ये इसने इसको सिलेक्ट किया तो भी इसका पैर सिलेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये मान रहा है कि ये एक ही। तो ऐसा होता है, इसलिए मैंने तुमको वो ग्रुप ऑफ इमेजेस दिखाए, मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। जहाँ पे सब्जेक्ट कम है वहां पे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये समझ में आया क्या? हेलो, अरे बच्चा लोग समझ में आया क्या? ये इजी कर लेगा क्या? बहुत ही इजी कर लेगा सर। ये देखो ये घूमते रहता है, हो गया करो। मैंने ड्रैग नहीं किया, डायरेक्ट कर लिया। तो वो जो है ना टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, उसका वो डायरेक्ट ओरिजिन है। खेल खत्म, क्या बचा अभी सिलेक्शन में? इसीलिए तुमको नहीं सिखाया पहले। लेकिन ऐसे सिलेक्शंस जो डिफिकल्ट है वो तुम ढूंढ के निकालो। निकाल सकते हो ढूंढ के? ये मैं मिडल माउस क्लिक करता हूं, क्या करता हूं वो खुल जाता है उधर, मिडल माउस दबाओ। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस पे ट्राई करो। ताकि तुमको प्रैक्टिस हो जाए, क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि इन इमेजेस के ऊपर काम कैसे करते हैं। जानबूझ के मैंने 1 2 3 4 लिए इमेजेस।
चेक करते हैं। ये देखो ये इमेज को प्रोसेस कर रहा है अभी, दिख रहा है, तो ये स्टॉप हो जाएगा ना, उसके बाद में हम लोग, अभी देखो इसने इतना ही पार्ट सिलेक्शन किया, इसमें पूरा लिया, इसमें पूरा लिया, इसमें भी ऑलमोस्ट लिया, पर घास है, देन ये तो ले लिया। ये टेम्पररी फाइल में सेव होता है, कौन सा, जो अभी हमने किया ना कलाकारी, ये टेम्पररी फाइल्स में सिलेक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करना और उसके ऊपर काम करके देख लेना। इज इट क्लियर, समझ में आया करें क्यों मैंने इमेजेस लिया और क्यों इस तरीके की इमेज लिया। जान बुझ कर, अरे इजी वाली तो कोई भी करेगा ना, कल मैं इसमें तुमको फाइन ट्यूनिंग कैसे करते वो बताऊंगा। ये जो हमने एआई से यूज किया ना सिलेक्शन, इसको फाइन ट्यून और कैसे करते। अच्छा दोली लिमिट इतनी है, मैंने लॉगिन किया ना राजा, ये लो लॉगिन। इसलिए मैंने तुमको बताया कि अपना खुद का क्या होना चाहिए, अलग एक लॉगिन अकाउंट होना चाहिए। अभी वो इमेजेस मेरे को नहीं मिलेंगी, अभी मिल जाएंगे, प्राइम फ्लॉग। बड़ा डेंजर रहता है ये मेरे को बहुत, मतलब इसको नहीं क्या ऐसे दबा के फेंक भी नहीं सकते, मतलब फेंकने के लिए जाते तो बहुत गए, कभी हाथ लगाए क्या इसको, हमारे घर में बहुत आते हैं। हाँ ये मेंढक किसी चीज़ों को देख नहीं सकते, मालूम है ना, जैसे मेरे को सिरिंजेस लगाए तो चलता, मैं देख नहीं सकता उसको। तुम बोलो कि क्या सर फालतू, नहीं जमता अपने को। अभी मैंने एक लड़की ने ऐसे हाथ काट लिया था यहाँ से,